हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुलसाई जयपुर। माय नेम इज पंकज शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक है मेडिवल इंडिया। 1526 से लेकर स्टूडेंट 1857 तक भारत देश में आपके मुगल्स का राज रहा। इनफैक्ट 1739 तक तो आपका काफी अच्छा खासा राज रहा था आपकी मुगल सल्तनत का। मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे उनकी एंट्री हुई थी, कौन से मुगल एम्परर ने क्या काम किया था, ये सारे सवाल जो है स्टूडेंट, ये हर एग्जामिनेशन जिसमें आपका स्टैटिक जी क्या आता है वहां पर आपसे पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। इंडिया के अंदर आपके जो मुगल्स हैं उनकी एंट्री होती है थ्रू दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ क्यों, इसके पीछे आप मान सकते हैं कि इन एफिशिएंसीज ऑफ इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी थे वो एक इस प्रकार के राजा थे जो अपने सब ऑर्डिनेट से अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे। इनफैक्ट इनका जो व्यवहार था अपने अंकल के साथ जिनका नाम था अलाउद्दीन और एक थे दौलत खान लोदी, इनके साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं था। और इसी कारण क्या हुआ, इन दोनों ने एक व्यक्ति को इन्वाइट किया। इनफैक्ट इनके साथ मिलके एक और व्यक्ति जिनका नाम था राणा सांगा, आपके दो बहुत ही खूंखार, आप मान सकते हो कि कई लोग उनको वॉरियर बोलते हैं, कई लोग उनको बोलते हैं आपके लुटेरे, बहुत ही खूंखार लुटेरे दो थे। एक थे चंगेज खान। चंगेज खान के बारे में मैंने बताया हुआ है, इल्तुतमिश के टाइम पे इंडिया में आया था। एक चंगेज खान और एक तैमूर। चंगेज खान और तैमूर की फैमिली का एक वंशज जिसका नाम था बाबर। बाबर एक ऐसा व्यक्ति था बच्चों जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और वो उसको इनवाइट किया गया इंडिया में आने के लिए। उसको बोला गया कि आप इंडिया पे आकर अटैक कीजिए। उसमें उसका साथ देने के लिए थे राणा सांगा, राणा सांगा के साथ थे आपके अलाउद्दीन एंड दौलत खान लोदी। अब आपके बाबर ने इंडिया पे जब अटैक करना शुरू किया तो बाबर के साथ के जितने भी लोग थे उन लोगों ने बाबर का साथ देना बंद कर दिया। बिकॉज दे ऑल बिलीव कि हम जाकर इब्राहिम लोदी से नहीं जीत सकते, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास मैन पावर भी ज्यादा है और उसके पास आपके जो हाथी हैं वो भी बहुत सारे हैं। आपका जो इब्राहिम लोदी थे उनके पास काफी सारे हाथी थे, बट बाबर नहीं रुका और बाबर ने चढ़ाई शुरू रखी। अब बाबर जो था स्टूडेंट, वो आप ऐसा समझकर चलिए कि देयर इज अ रिवर कॉल्ड टांगरी रिवर। टांगरी रिवर जो है वो आपकी पड़ती है अंबाला में, उसके पास था। और इधर है आपका दिल्ली। दिल्ली के अंदर बैठे हैं आपके इब्राहिम लोदी। अंबाला से ये लोग चलते हैं और इस साइड से दिल्ली से आपके चलते हैं इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है। लड़ाई का एक मैं आपको सिनारियो बता देता हूँ कि लड़ाई में हुआ क्या था। आपके जो इब्राहिम लोदी थे, he wants to lead from the front, ये सबसे पहले आगे आकर लड़ाई लड़ना चाहते थे और लड़ाई में जल्दी डेथ हो गई राजा की। उसका असर ये हुआ कि इनके पास लोग कम थे और हाथी ज्यादा थे। इब्राहिम लोदी की अगर हम बात करें, इसके पास एलिफेंट्स बहुत सारे थे और लोग कम थे, तो इसका रिजल्ट ये हुआ बच्चों कि इस साइड से जो बाबर था जिसकी मैंने बताया एक आंख फूटी हुई थी, उसने भारत में पहली बार इस्तेमाल किया किसका, तोपों का। और तोपों का इस्तेमाल जैसे ही किया गया भारत के अंदर, तो उसने सबसे पहले इस्तेमाल किया हाथियों पर। हाथियों ने जब आवाज सुनी तो हाथी आपके वापस दौड़ने लगे और अपने ही वॉरियर्स के ऊपर वो चढ़ गए और इसी से आपका इब्राहिम लोदी की पूरी सेना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कम आर्टिलरी से, कम आपका फोर्सेस से आपका एक वॉर जीता जिसका नाम था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर आकर भारत में अफगान कल्चर खत्म हो जाता है और आपका एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है आपका मुगल कल्चर, जिसकी कई चीजें आज भी हम लोग इनहेरिट करते हैं सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है 21 अप्रैल 1526 को पहली बार स्टूडेंट ये वॉर हुआ था, मतलब एक ही बार हुआ था 21 अप्रैल को। आपका 3 घंटे का ये वॉर था और जहां पर आपके इब्राहिम लोदी की डेथ होती है वहीं पर उनका मकबरा बना दिया जाता है आपका। इस वॉर के अंदर, पानीपत के वॉर के अंदर, बाबर ने एक स्ट्रेटेजी यूज की थी स्टूडेंट्स, जिसका नाम है तुगलुमा स्ट्रेटेजी, जिसको आर्मी भी यूज करती है। मैं आपको बता देता हूँ सारे फैक्ट्स यहाँ पर। ओके, इस स्ट्रेटेजी का नाम है स्टूडेंट्स तुगलुमा स्ट्रेटेजी। तुगलुमा स्ट्रेटेजी हमको बताती है
कि पूरी आर्मी को आप एक ही डायरेक्शन में लेकर ना जाएं और आर्मी को तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करिए आपको, राइट, लेफ्ट और सेंटर में, और उसके बाद इनके भी आप क्या कर दीजिए, फर्दर इनको डिवाइड, ताकि आपकी आर्मी एक जगह पे किसी को ना मिल जाए। इसको हम बोलते हैं तुगलुमा स्ट्रेटेजी, और इस स्ट्रेटेजी से जीते थे आपके बाबर। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार बच्चों सवाल पूछा जा चुका है कि तुगलुमा स्ट्रेटेजी इंडिया के अंदर कौन लेकर आया था। तुगलुमा स्ट्रेटेजी इंडिया में लेकर आए थे मिस्टर बाबर। चलिए, इब्राहिम लोदी का टॉम्ब कहाँ पर है, पानीपत में। तो हमें ये कुछ फैक्ट्स यहाँ से मिल गए, ये भी एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सॉरी, बाबर की बात करते हैं। आफ्टर द वॉर जो बाबर थे, बाबर के बारे में आप हमेशा समझिएगा, ही इज वेरी कीन, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग गार्डन्स। इनको गार्डन्स बनाना बहुत पसंद था। इनफैक्ट जब ये पहली बार वॉर जीते पानीपत का, तो उस टाइम पर इन्होंने एक डिसीजन लिया। इनकी एक मिस्ट्रेस थी जिनका नाम था मुसम्मत काबुली बेगम। ये काबुली बेगम से बेहद प्यार करते थे, और काबुली बेगम के लिए इन्होंने बनवाया आपका काबुली बाग मस्जिद, और एक बनवाया आपका काबुली बाग, और ये दोनों है आपके पानीपत में। तो पानीपत में हमें क्या क्या मिल चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल इब्राहिम लोदी का टॉम्ब आपका पानीपत में है, प्लस आपका काबुली बाग मस्जिद आपकी पानीपत के अंदर है। आई होप इतना क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे। बाबर वॉज फॉन्ड ऑफ वाइन, ये शराब का शौकीन था। इनफैक्ट ये एक अच्छा स्कॉलर भी था, इसने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी, ऑटोबायोग्राफी इसने लिखा है अपनी बायोग्राफी के अंदर, कि आप, मैं एक ड्रंक सोल्जर हूँ, आप मुझे सजा तब दीजिए जब मैं सोबर हो जाऊं। और ये डिसेंडेंट था, मैं आपको बता चुका हूँ जो बाबर है ये एक डिसेंडेंट था बेटा किसका, एक आपके तैमूर का और एक आपके चंगेज खान का। याद रखिएगा कि फादर की साइड से तैमूर से थे ये, और मदर की साइड से आपके चंगेज खान से। बाबर मींस लॉयन, बाबर का मतलब होता है बच्चों लॉयन। इनकी, इनका जो टॉम्ब है, इनका जो मकबरा है, वो है आपका काबुल में। पहले इनको दफनाया गया था सिकंदरा, सिकंदरा है आपका आगरा के पास, बट इनके सुपुत्र जिनका नाम है हुमायूं, उन्होंने इनकी बॉडी को निकाला और वो वापस लेकर गए कहां पर, काबुल में, वहां पर इनको जाकर दफना दिया। हुमायूं अफीम खाते थे और ये शराब पीते थे। चलिए, बाबर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ही टू कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स, और इन्होंने खुद लिखा था कि वन सेड आई एम अ ड्रंक ऑफिसर, पनिश मी व्हेन आई एम सोबर, कि मुझे सजा तब दी जाए जब मैं सोबर हूँ, ताकि मुझे एक लेसन मिल जाए। आज भी जो बाबर है स्टूडेंट्स, सॉरी, इसको हीरो माना जाता है आपका आपके उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान के अंदर। ये अब पहले रशिया का पार्ट होता था, बट अब आपके अलग देश बन चुके हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है टर्किश लैंग्वेज में, जिसका नाम है आपका बाबर नामा। फर्दर इसका ट्रांसलेशन भी होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस दी अकबर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। मीनवाइल जब भी हम हिस्ट्री को पढ़े, तो यू नीड टू डू वन थिंग, कि जब भी आप एक या दो पेजेस पढ़ ले, यू नीड टू रिवाइंड द हिस्ट्री पार्ट। आपको अभी आंखें बंद कीजिए, आप बाबर को फटाफट रिवाइज कर लीजिए। बाबर इंडिया में एंट्री कैसे होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उनकी क्या क्या खास बातें थी, वो सारी आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटल्स ऑफ बाबर, बैटल्स ऑफ बाबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ईजी भी है इसको लर्न करना। बाबर ने एक अच्छा काम किया हम लोगों के लिए, ताकि हम इसको लर्न कर सके। बाबर ने हर साल एक बड़ी लड़ाई लड़ी, 26, 27, 28 एंड 29, लगातार इसने चार साल लड़ाई लड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है इब्राहिम लोदी के अंगेंस्ट लड़ाई लड़ी है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड जो लड़ाई थी वो राणा सांगा के अंगेंस्ट थी। राणा सांगा को लगा कि वो इनको हरा सकते हैं, बट इन्होंने राणा सांगा को भी हरा दिया। राणा सांगा के बाद बारी आती है मदीनी राय, सॉरी मदीनी राय जो थे ये कमांडर इन चीफ थे आपके राणा सांगा के। देन केम द जॉइंट फोर्सेस ऑफ अफगान्स एंड सुल्तान ऑफ बंगाल। 1529 में इनकी लड़ाई होती है दो लोगों से, अफगानियों से और आपके सुल्तान ऑफ बंगाल से। यहाँ पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो यहाँ पर बैटल हुआ था, ये हुआ था आपका लैंड प्लस वॉटर। इट वॉज ऑन लैंड प्लस वॉटर। मेडिवल इंडिया की एक लड़ाई,
जो आपकी लैंड प्लस वाटर दोनों पे हुई है उसको आपने याद रखना है यहाँ पर, वो हुई थी बैटल ऑफ घाघरा के अंदर। आई होप इतना क्लियर हुआ। अब इसको याद करना और भी आसान है, यू कैन मेमोराइज इट इन अ वे दैट बाबर ने पहले पानी पिया, फिर बाबर ने खाना खाया, फिर बाबर ने चांदनी रात में घाघरा डाल के डांस किया। और जब बाबर ने घाघरा डाल के डांस किया तो उसको देखने वाले दो लोग थे, एक थे आपके अफगानी लोग और एक थे आपके सुल्तान ऑफ बंगाल। और लैंड और वाटर इसने दोनों जगह पर क्या किया, डांस। और इन चारों बैटल्स के अंदर बेटा आपका बाबर ने वॉर जीता था। आई होप आई मेड इट क्लियर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लेट अस मूव टू दी हुमायूं पार्ट। हुमायूं मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सुपुत्र थे किसके, बाबर के। हुमायूं जो थे ये इतने ड्रॉइड नहीं थे, आप ऐसा मान सकते कि इतने समझदार व्यक्ति नहीं थे जैसे बाबर थे, और इतने बड़े वॉरियर भी नहीं थे जैसे बाबर थे। ही इज अ फॉन्ड ऑफ ओपियम, ये अफीम बहुत खाते थे। इनके एक गवर्नर थे, गवर्नर नहीं थे, इनफेक्ट आप ऐसा मान के चलिए कि शेरशाह सूरी के पिताजी गवर्नर रह चुके थे बिहार के, और शेरशाह सूरी ने जो कि बिलोंग करते थे सासाराम से, शेरशाह सूरी ने दो बैटल लड़े इनके अगेंस्ट, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों के अंदर हुमायूं की हार होती है। अब हुमायूं ने एक चीज सोची कि अब मुझे इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। और जब इंडिया छोड़कर ये जा रहा था, बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, आपके दो जगह पर ये रुकता है, एक फतेहाबाद और एक हिसार। फतेहाबाद और हिसार दोनों आपके हरियाणा में आते हैं। दोनों जगह पर रुककर इसने प्रार्थना की कि अगर मैं वापस आने में कामयाब होता हूं तो मैं यहाँ पर अपने नाम से एक मस्जिद बनवाऊंगा। और उसके बाद जब ये वापस आता है तो हुमायूं की मस्जिद, आपसे कोई पूछे हुमायूं मॉस्क कहाँ पर है, तो वो दो जगह पर होगी, एक फतेहाबाद और एक आपका हिसार। क्लियर। लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। 1538 में अपने पिताजी की बॉडी को लेकर ये गए थे आपके काबुल में। तो ये थे मिस्टर हमारे हुमायूं। चलिए लेट अस मूव टू द सेकंड स्लाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम अगर कोई बताना चाहे बिना देखे आप पॉज करके नाम बता सकते हैं इस जगह का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। हुमायूं फ्लेड टू द रिफ्यूजीज ऑफ सफा विद एम्पायर इन पर्शिया। एक एम्पायर था ईरान जिसका आज नाम है, वो पहले पर्शिया था। मैंने आपको बताया कि हुमायूं जब वापस जा रहा था तब इसने क्या किया, ये निकला आपका, ये पहाड़ियों से निकल, तो इसकी बहुत बुरी हालत हुई थी स्टूडेंट्स। इसके पास मतलब आप ऐसा समझिए कि इन लोगों को अपना गुजारा चलाना पड़ा था जब ये ईरान जा रहे थे घोड़े के मांस खाकर। घोड़े का मांस भी लोग खाते थे, जो वॉरियर्स होते हैं जो इनके सैनिक थे उनके हेलमेट में उसको पकाते थे और उसको खाते थे हुमायूं और उसका पूरा परिवार। और इनको डर भी था कि आगे जाकर इनको सफाविद एम्पायर पूछेगा या नहीं पूछेगा, क्योंकि इनके खुद के ब्रदर इनके अंगेस्ट हो चुके थे, वो खुद चाहते थे कि लोग इनको मार डालें। और उसके बाद जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर इनका बहुत शानदार स्वागत होता है ईरान के अंदर, इसीलिए ईरान से अच्छे रिश्ते इन्होंने बनाकर रखे। इनका टॉम जो है बेटा वो है आपका दिल्ली के अंदर। हुमायूं का टॉम काफी फेमस जगह है आपकी दिल्ली में, इसको बनवाया था बेगा बेगम ने। समटाइम्स बेगा बेगम एंड हमीदा बानो बेगम में कंफ्यूजन रहता है, तो प्लीज आप इसको क्लियर कीजिएगा कि इनका जो टॉम है वो बेगा बेगम ने ही बनवाया था। हमीदा बानो बेगम भी इनकी वाइफ थी जिनके बेटे अकबर थे। He recaptured the throne from Suris in 1555. अब इसने सफा विद एम्पायर की मदद ली। अब जो शेरशाह सूरी थे ना स्टूडेंट, उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी डेथ के बाद उनके जो कजन्स थे वो भोग विलास में अपना जीवन जी रहे थे, उनको हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगा हुमायूं को। इसने 1555 में थ्रोन को कैप्चर कर लिया। और ये जो मैंने आपसे पूछा था ये जगह कौन सी है, तो इस जगह का नाम है बेटा शेरमंडल। शेरमंडल का मतलब है आपका एक लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी थी और इसी की सीढ़ियों से गिरकर सेकंड आपके जो एम्परर थे मुगल सल्तनत के हुमायूं, उनकी हुई थी डेथ। चलिए, हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा इज रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बानो बेगम। इनकी जो स्टूडेंट्स आपका जो इनकी जीवनी है वो लिखी इनकी सिस्टर ने जिसका नाम है गुलबदन बानो बेगम। आई होप इतना क्लियर हुआ। अकबर, अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के आपके मुगल सल्तनत के सबसे बड़े राजा, सबसे रिनॉन्ड पर्सनैलिटी एंड मोस्ट लव्ड किंग जिसका नाम था मिस्टर अकबर। मिस्टर अकबर थे सिर्फ 13 साल के जब डेथ हो गई किसकी, हुमायूं की।
एंड इनको चूज किया गया कि ये सबसे वाइज व्यक्ति हैं जिनको अगला एम्परर बनाया जाए। अब इनकी मम्मी कौन थी? ही इज द सन ऑफ हमीदा बानो बेगम। ये हमीदा बानो बेगम के बेटे थे। हमीदा बानो बेगम प्यार नहीं करती थी हुमायूं से, वो हिंडल से प्यार करती थी। बट जब आपके हुमायूं आपके अलवर में थे तो वहां पर क्या हुआ कि जबरदस्ती इनकी शादी करा दी गई। बाद में मान गई थी हमीदा बानो बेगम। इनके सुपुत्र का नाम था अकबर। He was made emperor at the age of 13. कई जगह पे 14 भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। He was assisted and guided by Bairam Khan. देखिए स्टूडेंट, ये लोग जो थे, जो मुगल्स थे, ये सुन्नी लोग थे और बैराम खान एक शिया मुस्लिम थे। बट बैराम खान काफी ब्रेव थे और इन्होंने उस व्यक्ति को हराया था स्टूडेंट्स, जिसको लगभग उस टाइम तक कोई भी नहीं हरा पाया था, हेमू हेमचंद जिनका नाम था। बैराम खान फॉट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट हेमचंद ऑफ रेवाड़ी, ऑल्सो नोन एज राजा विक्रमादित्य। आपके आप ऐसा समझिए, मैं आपको बता देता हूं एक बार, जो फाइट अभी चल रही है, एक साइड है आपके इब्राहिम लोदी थे फर्स्ट वॉर के अंदर, वी ऑल नो कि इब्राहिम लोदी थे, और इब्राहिम लोदी के अपोजिट जो थे, सॉरी इब्राहिम लोदी के बाद जो नेक्स्ट अफगान थे उनका नाम था मिस्टर शेर शाह, सॉरी एक हुआ था बैटल ऑफ घाघरा अफगान एंड सुल्तान ऑफ बंगाल, आप समझ जाएंगे इसको, प्लस सुल्तान ऑफ बंगाल। और अगला अगर मैं देखूं पॉइंट इसके अंदर आके, कि अभी अभी जो लड़ाई चल रही है, हमने देखा कि मुगल्स ने आकर हराया था आपके अफगानी लोगों को। अफगानी कौन थे? आपके इब्राहिम लोदी, फिर आपके अफगान एंड सुल्तान ऑफ बंगाल, और फिर आया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भी एक आपका अफगानी था। तो हमें एक चीज समझ आती है कि जो लड़ाई चल रही है वो अफगानियों और मुगल्स के बीच में चल रही है। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि अब चांसेस लगेंगे आपके अफगानियों को कि सिर्फ एक 13 साल का बच्चा आया है, इसको आसानी से हरा सकते हैं। बट अफगान अब की बार खुद नहीं आते। अफगानी लोगों ने एक व्यक्ति को हायर किया जो बिलोंग करता था रेवाड़ी से बच्चों, जिसका नाम था हेमू, यानी कि हेमचंद भी उसको बोलते हैं, मतलब हेमचंद रियल नेम था, हेमू उनको प्यार से बोलते थे लोग। ही बिलोंग टू रेवाड़ी, हरियाणा से बिलोंग करते थे, काफी बड़े वॉरियर माने जाते थे। बट अब इब्राहिम लोदी के कॉन्टेम्प्ररी हमको पता है कौन थे? बाबर, सॉरी फिर थे, पहले थे आपके बाबर, एंड आफ्टर बाबर आपके आ जाते हैं, बाबर के बाद जिनकी लड़ाई हुई थी, और नहीं सॉरी सेकंड वॉर में भी आपके बाबर ही थे। देन थे आपके शेरशाह सूरी के अंगेंस्ट मिस्टर हुमायूं, और हुमायूं के बाद अब अकबर की साइड से, अकबर नहीं लड़ा, अकबर की साइड से बच्चों आता है आपका बैराम खान। यहाँ पर बैराम खान लड़ाई के लिए भेजा गया और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में बुरी हार होती है आपके अफगानियों की। हम स्टूडेंट बचपन से पढ़ते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इनका सिग्निफिकेंस आज आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का सिग्निफिकेंस ये है कि भारत में पहली बार मुगल्स की एंट्री हो जाती है, और सेकंड बैटल का सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके बाद आपका बिल्कुल रास्ता क्लियर था मुगल्स का। उनके जो सबसे बड़े दुश्मन थे, जिनको हम बोलते हैं आपके अफगानी, अब वो लोग उनके रास्ते से हट चुके थे। तो हमें पता चलता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का इंडिया में सिग्निफिकेंस ये है कि इसके बाद मुगल के रूट्स बहुत ज्यादा क्या हो गए भारत में स्ट्रॉन्ग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इनकेस एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको जो पीपीटी है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बुलसाई क्लैट कैट एसएससी बैंक पे आप लिखेंगे तो उसमें आ जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। चलिए, इन 1556 बैराम खान बीट हेमू एंड स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ द मुगल। और बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहेंगे, बहुत सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे आप एसएससी की बात करो, यूपीएससी की, सीडीएस की, या फिर क्लैट की, कैट क्लैट की आप बात कीजिए, या फिर आप बात करिए आईलेट एग्जामिनेशन की, सबके अंदर इसमें से सवाल आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि बैराम खान को एक टाइटल दिया गया था खाने खाना। खाने खाना वैसे आगे भी बहुत लोगों को टाइटल दिया गया, बट बैराम खान को एक टाइटल मिला हुआ था जिसका नाम था खाने खाना, यानी कि खानों के खान। और बैराम खान से बाकी के कोर्टियर, यानी कि बाकी के जो मंत्रीगण थे अकबर के दरबार वाले, सारे के सारे नफरत करते थे क्योंकि एक शिया मुस्लिम थे यहाँ पर।
चलिए, राल्फ फिच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू एवर विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मतलब सॉरी, एक फैक्ट है आपका। राल्फ फिच जो थे वो पहले इंग्लिश मैन थे जो आपके अकबर के कोर्ट में प्रेजेंट हुए। ही बिल्ट बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो बुलंद दरवाजा है स्टूडेंट्स, वो एक आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, WHSF वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप बुलंद दरवाजा आपका आगरा के पास है और फतेहपुर सिकरी के अंदर इसको बनवाया गया था, इसलिए क्योंकि अकबर ने फतेह पाई थी आपके किस पर, गुजरात पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन, इन्होंने एक नया धर्म भी बनाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू ने अपनाया था, बिरबल वॉज द ओनली हिंदू। चलिए नेक्स्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये है बुलंद दरवाजा। अगर आप कभी भी आपको मौका लगे, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज अ मास्टरपीस, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही आपको, आपके पास एक अच्छा गाइड हो तो आपको यहाँ पर काफी कुछ जानने को मिल सकता है। अगर आपको और जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको और जानकारी दे दूंगा। अभी हम ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है नवरत्न ऑफ अकबर की हम बात करते हैं। अकबर ने मंत्रिमंडल बनाया जो कि बहुत ही शानदार था। अब अकबर बिलीव करता था कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंजॉयमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने एंजॉयमेंट के लिए क्या किया, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तानसेन और रामतानु। आपको शायद ना बताओ कि तानसेन को रामतानु भी बोलते थे। वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, भारत के, इनको हिंदू शिक्षा मिली थी बचपन से और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। इनका पूरा जीवन जो था वो रीवा के एक राजा, जिनका राजा रामचंद्र सिंह जिनका नाम था, उनके साथ बीता। बट अकबर को पता चला कि कोई व्यक्ति द्रुपद रागा बहुत ही शानदार बनाते हैं और मतलब बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, तो अकबर ने निवेदन किया राजा रामचंद्र सिंह से कि प्लीज आप इनको हमारे कोर्ट में भेज दीजिए। इन द स्टार्टिंग ही वो सो रिलेक्टेंट, बट इनको बोला गया कि यू विल हैव अ ब्रॉडर ऑडियंस, आपके पास ऑडियंस ज्यादा होगी, आपका नाम ज्यादा होगा, और इस शर्त पे फिर आ गए आपके दिल्ली। 60 की एज में दिल्ली आए एंड ही इज नोन फॉर द ध्रुपद कॉम्पोजिशन एंड क्रिएटिंग ऑफ सेवरल न्यू रागास। ये भारतीय पुराणों के अंदर से ली गई चीजें हैं। अगर इसके बारे में भी आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। फिर हम बात करते हैं नवरत्न ऑफ अकबर की। नवरत्न ऑफ अकबर की ही हम बात कर रहे हैं, वैसे इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम है बिरबल। ही इज एन अट्रैक्ट पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे ऑफिस को संभाल लेता था, पूरा जो डिफेंस में भी चला जाता था आपका, जो आपका एक आप एडवाइजर भी हैं, आप एक वॉरियर भी हैं, आप एक कॉर्टियर भी हैं। तो इनका वैसे असली नाम था मिस्टर महेश दास। इनके ओरिजिन पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है, सम पीपल से दैट ही इज फ्रॉम कालपी उत्तर प्रदेश एंड सम पीपल से ही इज फ्रॉम हरियाणा उड़िया। तो इनका ओरिजिन पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है बट इनकी नॉलेज पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। अकबर और बिरबल की कहानियां हम सबको पता है और ये एक लड़ाई में ही मारे गए थे, लड़ाई में इनकी डेथ हो गई थी। अकबर के लिए लड़ने के लिए गए थे, इनका रियल नेम था स्टूडेंट्स महेश दास और इनको बाद में इनकी नॉलेज के बेस पे बोला गया था कि आज से आपका नाम होगा बिरबल, यानी कि बिर का मतलब होता है दिमाग और दिमाग और बल का मतलब होता है ताकत, जिसके दिमाग में ताकत है उसको हम बोलेंगे बिरबल। इनको ये टैग दिया था आपके अकबर बादशाह ने। He is famous for his stories with Akbar. इसके इनके बारे में बहुत सारे आप वीडियोस भी अवेलेबल हैं कि महेश दास कौन थे, तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर बात करते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस। अकबर के टाइम पर डे टू डे एक्सपेंसेस, आपके जो रिवेन्यू है उसका कलेक्शन कैसा होगा, पैसा किधर से आएगा, किधर जाएगा, ये सब हिसाब रखते थे आपके टोडरमल। हर किसी के घर में एक टोडरमल होता है जो पूरे घर का हिसाब रखता है, और हर देश में भी एक टोडरमल होता है। तो इस समय पर जो टोडरमल है वो निर्मला सीतारमण जी है, JNU से है ये भी। चलिए नवरत्न ऑफ अकबर, नवरत्न ऑफ अकबर में नेक्स्ट नेम जो आता है वो आता है बच्चों राजा मानसिंह का। राजा मानसिंह थे नेफ्यू ऑफ हीरा कुंवारी, हीरा कुंवारी जो जोधा बाई भी जिनको बोला जाता है। इन एडिशन टू दैट आप मान सकते कि ये राजा भारमल के पोते थे जो अपनी बुआ जी के पास रहते थे। ये लगभग 8 या 9 साल ही छोटे थे आपके अकबर से, इनकी दोस्ती भी अच्छी थी अकबर के साथ। मानसिंह रिसीव द टाइटल ऑफ मिर्जा, इनको टाइटल मिला था मिर्जा का और एक रैंक इनको मिला था 5,000 रैंक, मनसाब जिसको बोलते हैं।
हर एक धर्म के साथ, हर एक पंथ के साथ अकबर ने कंधे से कंधा मिलाने का सोचा था और राजपूतों को रैंक देते थे मनसाब। मनसाब का मतलब होता है रैंक, और हर रैंक के साथ आपका एक अमाउंट जुड़ा होता था। इनके पास जो अमाउंट था वो था आपका 5,000 रुपए। बल्कि इनके जो अकबर के बेटे थे जहांगीर, वो सबसे हाईएस्ट रैंक मनसाब थे, उनके पास 10,000 का रैंक था। आई होप इतना क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पिक्चर है। ये आपको अगर आप उदयपुर में कभी जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर ये फोटो मिल जाएगी। ये पिक्चर इनफेक्ट काफी कुछ कह देती है वहीं पर। ये राणा सांगा के वंशज, जिनका नाम है महाराणा प्रताप, उनसे मिलने गए थे। उनको जाकर इन्होंने बोला था कि आप भी मुगल सल्तनत में सम्मिलित हो जाइए। बहुत सारे राजपूत जो थे वो मुगलों के अंडर ही काम कर रहे थे उस टाइम पर, बट मेवाड़ के महाराज जिनका नाम था महाराणा प्रताप, जो राणा सांगा के वंशज थे, उन्होंने इस चीज के लिए बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपके साथ कोई भी काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट ही रिफ्यूज टू हैव फूड विद मिस्टर राजा मानसिंह। इनको बोला गया कि आप उनके घर का खाते हैं और वो किसी धर्म विशेष से हैं तो हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे। और कई लोग इससे धर्म विशेष को हटा देते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप ऑपोजिशन से आए हैं तो हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे। बट यहाँ पर महाराणा प्रताप की इस बात से काफी हर्ट हुए राजा मानसिंह, और 10,000 लोगों की फौज के साथ अटैक किया गया। अब जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी है वो काफी डिस्प्यूटेड है स्टूडेंट्स। कई जगह पे, ज्यादातर जगह पे इनफेक्ट बोला गया है कि इस वॉर में बचकर निकल गए थे महाराणा प्रताप, और आपके जो मुगल्स थे उनको पता भी नहीं था कि वो वॉर जीत गए हैं। उनको अगली सुबह ही पता चला कि वो लड़ाई जीत गए हैं। बट बाद में जब उन लोगों ने अपने नॉर्थ पार्ट पे मुगल्स ने अपने नॉर्थ पार्ट पे कंसेंट्रेट करना शुरू किया तो महाराणा प्रताप ने इसको रिकैप्चर कर लिया। एक थ्योरी ये है, एक थ्योरी बोलती है कि चेतक जो इनका घोड़ा था वो इनको लेकर चला गए, जख्मी थे, और उसके बाद महाराणा प्रताप का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया। तो दोनों स्टोरीज है स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड। नवरत्न ऑफ अकबर, इसमें एक और नाम आता है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे, रहीम का आपने नाम सुना होगा, इनके जो हिंदी के भी, आप ऐसा मानिए जो हिंदी के इनके दोहे हैं, दो दो लाइन के, जैसे यहाँ पर लिखा है, रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। आजकल जैसे आपके कुमार विश्वास हर चीज पर, हर चैनल पर यही आते हैं, तो उस टाइम पे एक ही चैनल था अकबर का, और वहां पर जो दोहे गाते थे उनका नाम था मिस्टर रहीम, और जो गाना सुनाते थे उनका नाम था आपका तानसेन। रहीम इज फेमस फॉर हिज हिंदी दोहे। अच्छा, इनकी एस्ट्रोलॉजी में भी काफी पकड़ थी, तो एस्ट्रोलॉजी पे भी इनकी एक बुक बनी हुई थी। आई होप इतना क्लियर है सब बच्चों को। नवरत्न ऑफ अकबर, अब इसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं, मुल्ला दो प्याजा। आपको दिख रहा है इनके पास दो प्याज हैं। कई लोग इनको स्कॉलर मानते हैं एंड कई लोग मानते हैं कि इनकी पूरी नॉलेज बिल्कुल ही फिक्शन था, यानी कि इनको कोई ज्ञान नहीं था, बस ये आधा ज्ञान लेकर चलते थे, और बिरबल के आने के बाद इनकी वैल्यू कोर्ट में थोड़ी सी कम हो गई थी। ये मुस्लिम वर्जन थे बिरबल के, बिरबल का इन्होंने टेस्ट भी लिया था जिसमें बिरबल पास हो गए थे। आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, YouTube पे या फिर Facebook, WhatsApp पे कहीं ना कहीं पे, कि वॉज महेश दास। अगर आपने नहीं देखा है, आप जानना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा। मुल्ला दो प्याजा जो थे, इन्होंने टेस्ट लिया था बिरबल का और बिरबल पास हो गए थे उस टेस्ट में, और ये काफी नाराज भी रहते थे खुद से जब से आपके बिरबल कोर्ट में आए थे, और ये अकबर को एडवाइस करते थे पॉलिटिकल मैटर्स में, और ये थे आपके नवरत्न। नवरत्नों में से एक थे आपके मुल्ला दो प्याजा। ओके, नेक्स्ट है शेख फैजी। शेख फैजी जो थे, ये अबुल फजल। अबुल फजल वो व्यक्ति है हिस्ट्री में जो काफी जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने अकबर नामा की तीनों वॉल्यूम्स को लिखा। ये उनके ब्रदर थे शेख फैजी। ये पोइट भी थे और ये टीचर भी थे। इनफेक्ट फैजी एंड फकीर एजियाउद्दीन, ये दो जो थे ये अकबर के बच्चों को पढ़ाते थे। दो टीचर्स इनके थे, एक फैजी और एक फकीर एजियाउद्दीन। He became the मलिक ऑफ शूरा, इसको बोलते हैं पोइट लॉरेट ऑफ अकबर कोर्ट, यानी कि अकबर के कोर्ट के सबसे बड़े कवि आपके ये बन गए थे। फकीर एजियाउद्दीन, फकीर एजियाउद्दीन का काम क्या था? रिलीजियस एडवाइजेस टू दी एम्परर। जैसे आज के टाइम पर रिलीजियस एडवाइजेस के लिए मोदी जी शायद रामदेव की तरफ देख ले या फिर किसी और की तरफ देख ले, बाबा राम रहीम की तरफ तो नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नवरत्न ऑफ अकबर, अबुल फजल की हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों। अबुल फजल इब्ने मुबारक रोट अकबरनामा, इन्होंने जो लिखा वो था आपका अकबरनामा। अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसका 3rd वॉल्यूम जिसको यूजली अपेंडिक्स भी बोला जाता है, उसका नाम है आइन ए अकबरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आपके 12th लेवल से लेकर 10th लेवल से लेकर आपके जो ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्जामिनेशन है यूपीएससी लेवल तक के, कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर लिखा हुआ है। तो उसका आंसर अकबर नामा ना होकर होता है आपका आइन ए अकबरी। दिस इज वॉल्यूम 3rd ऑफ अकबर नामा। अकबर ऑल्सो मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद राजपूत कम्युनिटी। मैंने बताया कि मनसाब का रैंक देते थे। ही मैरिड द डॉटर ऑफ राजा भारमल नोन एज हरका बाई। हरका बाई भी बोलते हैं इनको, जोधा बाई भी बोलते हैं। आप इनकी इनसे शादी हुई, ये जयपुर से बिलोंग करती हैं और इसीलिए जयपुर पे कभी कोई अटैक भी नहीं हुआ मुगल्स की तरफ से। अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस मनसाबदरी सिस्टम। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दी मनसाबदरी सिस्टम। मनसाबदरी का मतलब होता है आपका रैंक देना और रैंक के साथ कुछ पैसा आपका जुड़ा होता है, जिससे लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती थी उस टाइम पे। द टॉम्ब ऑफ अकबर इज इन सिकंदरा नियर आगरा। आई होप अकबर तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताया है, आप वीडियो को पॉज करके 1 से 1.5 मिनट के लिए अकबर को पूरे को रिवाइज करिए। अगर आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस पाना है तो आपको आर क्यूब का मेथड याद रखना है, रिपीट रिवाइज एंड रिकॉल। जो मैंने आपको पढ़ाया उसको आप 50% टाइम में रिपीट करिए और उसके बाद 25% टाइम के अंदर आप उसको रिवाइज करिए और 10% टाइम के अंदर आप उसको रिकॉल करिए। और अगर नहीं हो रहे हैं आप सक्सेसफुल तो आप उसको प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाइए, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि जीके में हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आई मेड इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं जहांगीर की। अब अकबर ने बहुत ही धन दौलत कमाया, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, अकबर ने गुजरात को भी जीता, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते गए। इनके जो सुपुत्र थे जहांगीर, इनको बनाया गया, अकबर की डेथ हो गई थी बच्चों डिसेंट्री से। डिसेंट्री एक आपकी प्रोटोजोन डिजीज होती है जिससे अकबर की डेथ हो गई थी और इनको बना दिया गया आपका क्या राजा सलीम या फिर जहांगीर जो थे आपके, ये 10,000 क्या थे आपके मनसबदार। इनको 10,000 की क्या मिलती थी मनसब। Addicted to alcohol and opium. हमने देखा कि बाबर भी addicted था, हुमायूं भी addicted था, अकबर के बारे में ऐसी कोई भी information available नहीं है, but हमें पता चलता है कि जहांगीर जो है वो अपने दादा और परदादा की तरह क्या थे आपके, दोनों का मिक्सर थे, alcohol and opium दोनों लेते थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। He got married to मेहरुनिसा। मेहरुनिसा के साथ इनकी शादी हुई थी, जिनको नूर जहां भी बोलते हैं। नूर जहां मतलब आप ऐसा मानिए कि पूरे जहान का नूर इन पे है, या फिर इसको जो बोलते हैं कि द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नूर जहां को बोला जाता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उस टाइम पे नूर जहां पूरी दुनिया में एक ही थी, आजकल सबकी अलग अलग होती है। इनके पति का मर्डर हो गया था, एक रेबल थे और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये मर्डर इन्होंने ही कराया था। इनकी एक 9 साल की बेटी भी थी नूरजहां की, फिर भी इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हुई। और असली एडमिनिस्ट्रेशन जहांगीर के टाइम पे जो चलाती थी वो थी आपकी नूरजहां। तो रियल कौन आपका राज चलाता था बच्चों, आपका यहाँ पर नूरजहां। हिज ऑटोबायोग्राफी इज नोन एज जहांगीर नामा। आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं समझा देता हूँ कि आपका मुगल सल्तनत में 2 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। एक है आपके बाबर, जिन्होंने लिखी है बाबरनामा, और एक है आपके मिस्टर जहांगीर, जिनका नाम जिन्होंने लिखी है आपकी जहांगीर नामा। ही किल्ड 5th सिख गुरु। इन्होंने 5वें सिख गुरु का मर्डर किया क्योंकि वो इनके सुपुत्र को राजा बनाना चाहते थे खुसरऊ को यहाँ पर। और इनफेक्ट जो राजा मानसिंह की हमने डिस्कशन की थी पीछे, राजा मानसिंह अभी जिंदा थे और वो भी चाहते थे कि खुसरऊ को ही आगे बढ़ाया जाए, बट इन्होंने गुरु अर्जन देव सिंह जी जो 5th सिख गुरु थे उनका मर्डर कर दिया। और इनके अंगेस्ट होते थे आपके अबुल फजल, जिन्होंने अकबर नामा पूरा लिखा था, इनका भी क्या करा दिया गया था आपका मर्डर। अबुल फजल का भी मर्डर करा दिया और गुरु अर्जन देव सिंह जी का भी मर्डर करा दिया। यहाँ से मुगल सल्तनत से लोगों का नफरत थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। जहांगीर जो थे इन्होंने थ्रोन बनवाया था अपना दीवाने खास जो दिल्ली में लाल किले के अंदर है। ही इज द लवर ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग।
ये पोर्ट्रेट पेंटिंग में बहुत बिलीव करते, मतलब बहुत इंटरेस्ट रखते थे और उसको अपना एंटरटेनमेंट का साधन साधन इन्होंने बनाया हुआ था। ये खुद भी पेंटिंग करते थे, बट इनकी पेंटिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी। इनका जो टॉम है बच्चों, वो है आपका लाहौर के अंदर, इनकी पेंटिंग्स होती थी बिल्कुल मजनू भाई जैसी, जैसे मजनू भाई वेलकम मूवी में बनाते हैं, लगभग कुछ वैसी ही। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये आप ऐसा मान सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे बच्चों मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू ब्रिटन्स इन द कोर्ट, ब्रिटेन के जो भी लोग होते हैं, अगर वो प्लूरल फॉर्म में होता है तो उसको हम ब्रिटन लिखते हैं। तो जो दो ब्रिटन है, एक 1608 में आते हैं इनके पास और एक 1615 में। 1608 में हेक्टर नाम का जहाज लेकर, इनफैक्ट 1607 में ही आ गए थे, हेक्टर नाम का जहाज लेकर विलियम हॉकिंस आए थे। इनफैक्ट क्वीन एलिजाबेथ वन ने इनको भेजा था, वो अकबर को जानती थी बट वो जहांगीर को नहीं जानती थी, बट इनको बीच में पोर्टुगीज लोगों ने पकड़ भी लिया था। और फिर ये पहुंचे कहां पर, आपके मुगल सल्तनत तक। और मुगल सल्तनत में जब पहुंचे तो इनका स्वागत किया गया और इनको बोला जाने लगा कि आपका फिरंगी खान या फिर इंग्लिश खान, इनको बोला जाता था इंग्लिश खान। स्टूडेंट सेम टू सेम क्वेश्चन आपका केबीसी में भी 7 करोड़ के लिए पूछा जा चुका है कि हेक्टर नाम का जहाज चलाकर कौन से आपके ब्रिटिशर आए थे इंडिया में, इनका नाम था मिस्टर विलियम हॉकिंस। 1615 में जो बच्चों आए थे उनका नाम था मिस्टर थॉमस रो। अब रिलेशनशिप अच्छे हो चुके थे तो ये एम्बेसडर बन गए आपके ब्रिटिशर्स के इन दी मुगल कोर्ट, मिस्टर थॉमस रो। तो दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, एक थे थॉमस रो और एक थे आपके विलियम हॉकिंस। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो लोग आए थे, हाथ में हॉकिंस का कुकर लेकर रो रहे थे। आई होप इतना क्लियर होगा सब बच्चों को। चलो बेटा, अब बात करते हैं हम लोग शाहजहां की। शाहजहां के बारे में आप लोग जान लीजिए कि शाहजहां एक इस प्रकार के व्यक्ति थे कि इनके समय को बोला जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एरा। वैसे तो हर अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है, बट ऐसा यूजली लिखा जाता है कि मुगल सल्तनत रीच्ड इट्स जेनिथ एट द टाइम ऑफ शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन भी बोले तो को भी अगर थोड़ा और मॉडिफाई करें तो मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स जितने शाहजहां ने बनवाए इतने किसी ने भी नहीं बनवाए। ही वॉज मेड एम्पर अगेंस्ट द विश ऑफ नूरजहां। नूरजहां नहीं चाहती थी आगे बढ़े, बट इनको बना दिया गया आपका क्या अगला एम्पर। ही गॉट मैरिड टू मुमताज महल, इनकी शादी हुई थी मुमताज महल से। और इनके समय पर 1628 टू, अच्छा इनका जो समय था वो 1628 टू 1658 था। मुगल एम्पायर जो था, मैंने आपको बताया, अपने जेनिथ पे पहुंचा प्रोस्पेरिटी एंड लग्जरी में। इन्होंने खजाने बहुत खाली किए मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए। वी ऑल नो कि ताजमहल इन्होंने बनाया, लाल किला इन्होंने बनाया, मोती मस्जिद बच्चों दो है, एक आगरा के अंदर है और एक दिल्ली के अंदर है, तो दोनों आपके आपको याद रखना है। एंड जामा मस्जिद इन्होंने बनवाया। इनफैक्ट इन्होंने पूरा का पूरा पुराना दिल्ली, अगर आप पुराने दिल्ली में जाओगे तो उसको बोलते हैं बच्चों शाहजहानाबाद, जो आपका चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, नई सड़क, ये पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं शाहजहानाबाद। और बिल्कुल सेम मैप आपका आपको लाहौर में भी मिल जाता है, उसको भी शाहजहानाबाद बोलते थे पहले के टाइम पर। तो इसने एक नहीं दो बनाए थे आपके क्या, शाहजहानाबाद। मुमताज डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू 14 चाइल्ड, मुमताज की डेथ हो गई थी जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। ये काफी इनको बुरा लगा और फिर उनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया और मीन वाइल उनकी छोटी बहन से शादी भी कर ली थी। एंड ताजमहल इज दी सिंबल ऑफ लव। चलिए औरंगजेब की हम बात करते हैं। औरंगजेब ने जो थ्रोन कैप्चर किया वो अपने पिताजी को बंदी बना लिया इन्होंने, जो शाहजहां थे। इनको लगा कि मेरे पिताजी जो है वो पूरा सब कुछ बर्बाद कर देंगे, और क्योंकि अल्टीमेटली आप ऐसा समझिए कि आपका जो शाहजहां थे वो एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, और बेटे को लगा कि अगर इन्हें एक और ताजमहल बनाया तो सब पैसा गया, तो औरंगजेब ने इनको बंदी बना लिया था। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, स्टोरीज को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते, एग्जाम में नहीं आती, बट यहाँ पर इनको एक ऑप्शन दिया गया था शाहजहां को कि आप एक अनाज चूज कर लीजिए, आपको सिर्फ एक अनाज ही मिलेगा, और उन्होंने चना चूज किया था। और चने से फिर वो दाल वगैरह, पानी सूप वगैरह सब उनको मिलता था। और उनका, कई लोग बोलते हैं उनका मर्डर हो गया, कई लोग बोलते हैं उनकी डेथ हो गई आगरा की जेल में। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी ताजमहल को देखना, और इनका मर्डर किया था इनके वन साइडेड फ्रस्ट्रेटेड लवर बेटे, जिसका नाम है औरंगजेब।
पीपल यूज टू से औरंगजेब वॉज अ गुड पर्सन बट इसका वन साइडेड फ्रस्ट्रेटेड लवर थे, इसलिए इन्होंने ये सब कुछ हरकतें की जो इन्होंने किया। औरंगजेब तक जो भी था सब कुछ सही चल रहा था, आपका जजिया हट चुका था, आपके नॉन मुस्लिम से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, बट औरंगजेब ने आकर पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। औरंगजेब को अलमा गिर भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कॉन्करर। कई लोग इसको बोलते हैं जिंदा पीर, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, दैट इज नॉट इन पीपीटी, आप ऐसे याद रखिएगा इसको। जिंदा पीर किसको बोला जाता है आपके? औरंगजेब को। औरंगजेब वॉज नोन एज अ जिंदा पीर, जिंदा पीर इनको बोला जाता था। और इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पर सबसे अच्छी बात क्या रही कि पूरे वर्ल्ड का 27% ऑफ जीडीपी इंडिया कंटेन करता था। जीडीपी का मतलब होता है बेटा इकोनॉमिक वैल्यू, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक वैल्यू का 27% इंडिया में था। आज के टाइम पे वी आर 1/3 ऑफ दैट, हमारा कितना है 9% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, और उससे भी थोड़ा कम होगा। ही इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ जजिया विच इज 2.5% ऑफ एन इंडिविजुअल्स एनुअल सेविंग्स। इसने बोला कि जो नॉन मुस्लिम को टैक्स देना होता है वो हम वापस लेकर आते हैं, जो अकबर वगैरह हटा चुके थे इन्होंने उसको वापस लेकर आए। इन्होंने शराब को बंद कर दिया, पहले कोर्ट में ऐसा होता था, इनके कोर्ट का मतलब है कि आपका जो इनका दरबार है वहां पर शराब का कंजम्पशन भी होता था, सिंगिंग भी होती थी, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि अच्छे खासे सिंगर होते थे, तो इन्होंने गाना बजाना सब बंद कर दिया और शराब को भी इन्होंने बैन कर दिया। इन्होंने जो धार्मिक चीजें हैं आपके कॉइन्स के ऊपर लिखना उनको बंद कर दिया, कलमा को इन्होंने बैन कर दिया, सिक्कों के ऊपर लिखना की बैंडी झरोका दर्शन, आपके जो राजा लोग थे वो लोगों को दर्शन देने आते थे, इन्होंने उसको भी क्या कर दिया, बैन कर दिया। ओके, ही किल्ड दारा शेखो, इन्होंने अपने भाई का मर्डर किया जिसका नाम था दारा शेखो, उसके अलावा मराठा किंग सांभाजी का मर्डर किया एंड 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी का भी इन्होंने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। इसकी वजह से आप देखिए जो मराठी लोग होंगे वो भी नफरत करेंगे, जो सिख होंगे वो भी नफरत करेंगे। इनफैक्ट एक सेक्ट है मुस्लिम्स का, एक साइड है मुस्लिम्स की जो खुद इनसे नफरत करते हैं। ही ऑर्डर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ विश्वनाथ टेम्पल, इन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। इनफैक्ट जो वहां पर शिवलिंग है उसके ऊपर इन्होंने तलवार भी मारी है ऐसा माना जाता है, और उसमें एक कट भी लगा हुआ है औरंगजेब की तरफ से। इन्होंने अजंता एलोरा की एक भी मूर्ति ऐसी नहीं छोड़ी जिसपे अटैक ना किया हो ना करवाया हो। औरंगजेब ने आपके बनारस का नाम चेंज कर दिया था मोहम्मदाबाद, जैसे आजकल योगी जी कर देते हैं सिटीज का नाम चेंज। और इनके पास द पीकॉक थ्रोन के ऊपर ये बैठते थे जो दीवाने खास के अंदर है। अच्छा, पीकॉक थ्रोन के बारे में आई टेल यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह, वो हम वहीं पे एक्सप्लेन कर लेंगे। आई होप इतना क्लियर हो चुका है सबको कि ये बीजेपी की सरकार की तरह की सब कुछ बैन कर देंगे। अब हम बात करते हैं मेन मुगल्स, जो मेन मुगल्स मैंने आपको बताए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इनको याद करने का बेटा आपका ट्रिक होता है बादशाह, जैसे अभी भारत में सरकार है भाजपा की तो आप इसको याद रखोगे बादशाह से, और ये इनका ऑफिशियल फ्लैग था। ऑफिशियल फ्लैग मतलब सिंबल है, मुझे एग्जैक्टली मिला नहीं है, या ज्यादातर जगह पर लगभग ऐसा ही इनका मैप है, और जो रियल वाला है वो थोड़ा सा आप ऐसा मान सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसे कट लगे होते हैं, वो कुछ ऐसा इनका मैप होता था आपके मुगल्स का। सो दिस इज काइंड ऑफ अ रियल मैप। उसके बाद जो लेटर मुगल्स थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है। सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह जफर, फिर जहांदर शाह, फिर फरूख शाह, रफीउद्दीन आजाद, फिर रफीउद्दौला आते हैं आपके, फिर मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके यहाँ पर। मोहम्मद शाह को बोलते हैं रंगीला, आपके इस व्यक्ति को बोला जाता है आपका रंगीला। आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ करनाल इन 1739, जो आपका मुगल सल्तनत जो हम देखा, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि आपके साउथ इंडिया तक पहुंच गया, आपके कांधार को भी लेकर बैठा हुआ है, अब वो आपका कन्फाइंड हो गया कहां पर, शाहजहानाबाद के अंदर। आपका एक लुटेरा जिसका नाम था नादिर शाह, नादिर शाह आया, पीकॉक थ्रोन को भी लेकर चला गया 1739 में। करनाल के पास नीलोखेड़ी नाम की एक जगह है, वहां पर ये वॉर हुआ, और उसके बाद मुगल सल्तनत आपकी खत्म होकर रह गई कहां तक, आपके शाहजहानाबाद तक। मतलब एक ऐसी सल्तनत जो लगभग पूरे भारत पे राज करती थी, अब वो कन्फाइंड हो गई कहां पर, पुरानी दिल्ली के एक छोटे से पार्ट में। आफ्टर दिस वॉर नादिर शाह ऑल्सो टुक द पीकॉक थ्रोन, भी ले गया। फिर इसके बाद आते हैं अहमद शाह, फिर आते हैं शाह आलम टू,
He was popularly known as Ali Gohar, who was defeated in the Battle of Buxar. But जब हम बंगाल का हिस्ट्री करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ प्लासियन, बैटल ऑफ बक्सर क्या था. बट याद रखिएगा कि मुगल्स की साइड से आपके बैटल ऑफ बक्सर में लड़ेंगे मिस्टर शाह आलम टू. चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. फिर लेटर मुगल, एक अकबर थे जो बादशाह थे जिनके टाइम पर आपके नौ रत्न होते थे, प्रोस्पेरिटी थी, गुजरात तक फतेह पा चुके थे. बट ये पहले मुगल रूलर थे जो पेंशन पे काम करते थे ब्रिटिशर्स की, उनकी प्रोटेक्शन में रहते थे. ड्यूरिंग हिज टेन्योर मुगल एम्पायर श्रिंक्स टू रेड फोर्ट ओनली. अब मुगल एम्पायर आपका कहां तक आ गया, सिर्फ और सिर्फ लाल किले तक, मतलब उसके बाहर इनका जुरिस्डिक्शन खत्म हो चुका था. फिर आते हैं आपके बहादुर शाह जफर टू. हमें पता है कि बहादुर शाह जफर टू जो है वो आजादी के टाइम पर इनको टाइटल दिया गया था आपका क्या, शहंशाह हिंदुस्तान. इनको बोला गया था शहंशाह हिंदुस्तान, जो मेरठ में सिपाही म्यूटनी हुई थी. मेरठ के लोगों ने आकर एक नारा दिया था पहले चलो दिल्ली, और फिर इनको बनाया था शहंशाह हिंदुस्तान. फिर इनको अंग्रेज उठाकर ले गए थे कहां पर, रंगून. और इनकी जो कब्र है, सॉरी जो इनकी मजार है बच्चों, वो है आपकी ये गुण के अंदर, जिसपे मोदी जी भी जा चुके हैं. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस के लिए आपको, आप पॉज करके इसको क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो. वैसे इसमें तो आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड है ये, आई एम गिविंग यू टू सेकंड्स, आप इसको पूरा देख सकते हैं. नेक्स्ट, अगर आपको कुछ भी डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं. आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज बताइए. अगर आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. आपको अगर और कोई टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.